गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम रितु एंड यू आर वाचिंग रितुस खांडा। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो प्रोडक्ट्स के रिव्यू जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। तो गाइस बहुत ही फेमस ब्रांड में से है, बहुत से यूट्यूबर उसका बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रहे हैं, बहुत ऑनलाइन पे बहुत पॉपुलर ब्रांड है। तो आई नो आपको पता लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मामास अर्थ एंड वाओ। तो गाइस बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारे उनके रिव्यूज़ कर रहे हैं, तो लेकिन मैं जो अपना रिव्यू लेके आई हूँ मेरा रिव्यू एकदम ऑनेस्ट होने वाला है क्योंकि मेरी स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उसके बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं लेकिन जो मेरे फेवरेट्स हैं मैं सिर्फ उसी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों से बात करूँगी। तो गाइस ये हाईली रिकमेंड है आपके लिए, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और सबसे पहले मैं बात करूँगी अपने मामाअर्थ के मेरा फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में कि मामाअर्थ में मेरा कौन सा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। गाइस वैसे तो मैंने बहुत सारे उसके प्रोडक्ट यूज़ किए हैं लेकिन जो मेरा सबसे फेवरेट है मैं सिर्फ उसी के बारे में आज से बात करने वाली हूँ आपसे। तो ये मेरी कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरे खुद के प्रोडक्ट्स खरीदे हुए हैं। तो गाइस मेरा एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और सबसे पहले मैं अपने बात करने वाली हूँ अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स की जो कि है मामाअर्थ से। तो गाइस मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मामाअर्थ उपटन फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सेफ्रन फॉर टैन रिमूवर। तो गाइस ऑनलाइन बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है और ऑफलाइन भी आपको ये मिल जाता है। तो गाइस मुझे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स में से जिस प्रोडक्ट ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो है उपटन फेस वॉश। तो गाइस बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन को क्लियर करता है, एकदम आप चेंज आपके फेस पे दिखाई देता है, टैन रिमूवर भी है। तो गाइस मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज भी इसकी नॉर्मल है, 249 MRP है। 249 में आपको बहुत अच्छा फेस वॉश मिलता है और सबसे पहले मैं जिससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई इसकी स्मेल, माइंड ब्लोइंग गाइस। ऐसा लगता है कि जैसे हम नेचुरल बेसन सेफ्रन का यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथ है और इसमें हल्के हल्के से इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इसमें हल्के हल्के से थोड़े से स्क्रबिंग पार्टिकल्स भी हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफेरोलेट करते हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा मुझे अपना फेस वॉश और कुछ दिनों से मैं इसी फेस वॉश का यूज़ कर रही थी। तो गाइस जिस प्रोडक्ट को मैं खुद यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पर उसका मुझे कोई नुकसान नहीं होता, बेनिफिट्स होते हैं। तो वही प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बिकॉज जिस चीज़ का बेनिफिट मुझे हुआ है और मेरे चैनल को देखने वाले को भी ये इसका बेनिफिट होना चाहिए, उन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट होना चाहिए। तो गाइस ये सबसे बड़ी बात कि ये पैराबीन सल्फेट फ्री है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। तो 100 ml आपको क्वांटिटी मिलती है और MRP इसकी मिलती है 249, तो बहुत अच्छे प्राइस रेंज में है और बहुत अच्छा फेस वॉश है। तो गाइस मैं अब आपको यूज़ करके अपने फेस पर इसका पूरा रिव्यू दिखाती हूँ कि किस टाइप से ये मेरे फेस पे काम करता है और काफ़ी दिनों से मैं इसको अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ड्राई स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, आपको इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और ऑयली स्किन के लिए भी मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी तरह काम करेगा। टैन रिमूवर भी काम करता है, जब आपकी मेरी स्किन में थोड़ी सी टैनिंग हो जाती है तो गाइस मैं जब इसको यूज़ करती हूँ तो एकदम से मुझे अपनी स्किन फ्रेश सी दिखने शुरू हो जाती है। तो गाइस मैं काफ़ी इम्प्रेस थी इस प्रोडक्ट से तो इसलिए मैंने आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया। तो गाइस अब मैं आपको अपने फेस पर इसको यूज़ करके दिखाती हूँ कि किस टाइप से ये मेरे फेस पे काम करता है और रिसेंट ग्लो आपके फेस पे आ जाता है इसको यूज़ करने के बाद, और मेरी ओर से हाईली रिकमेंडेड है। तो गाइस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज में है और पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, इसलिए अगर आप इसको लॉन्ग टाइम में भी यूज़ करते हो तो आपके फेस पे बिल्कुल भी ये हार्म नहीं करेगा और ट्रैवल फ्रेंडली है, कुछ इस टाइप की ट्यूब में आता है तो स्मेल वाइज ऑसम, एकदम इसकी नेचुरल बेसन सेफ्रन की स्मेल है, हल्दी की स्मेल है, बहुत ही अच्छी स्मेल है। तो गाइस अब मेरी ओर से हाईली रिकमेंड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको मैं अपने फेस पे यूज़ करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये मेरे फेस पे काम करता है।
मेरे डार्क स्पॉट्स भी थोड़े से कम हो गए हैं इस फेस मास्क को यूज़ फेस वॉश को यूज़ करके, और ये मेरे लिए मेरी ओर से आपको हाईली हाईली रिकमेंडेड है। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है वो है बहुत फेमस ब्रांड से वॉव से। तो गाइस मैंने और भी वॉव के बहुत अच्छे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं लेकिन मुझे फेस प्रोडक्ट कुछ उसके ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। सिर्फ उसका फेस वॉश मुझे उसके ब्रश के कारण पसंद आया क्योंकि बहुत ही अच्छा स्क्रबर का काम करता है उसका ब्रश। तो मुझे उसकी पैकेजिंग वाइज मुझे वो बहुत पसंद आया लेकिन एक नॉर्मल फेस वॉश की तरह ही आपके फेस पे वो काम करता है। तो गाइस जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है वॉव में से वो है वॉव एप्पल विनेगर शैम्पू। वॉव का एप्पल विनेगर शैम्पू गाइस मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है और मुझे बहुत पसंद आया। मैंने इसको यूज़ किया, मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हुई। बहुत अच्छा सा काम करता है ये मेरे बालों पे, बहुत अच्छा काम किया। तो गाइस इसको मैं काफ़ी टाइम दे रही हूँ तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट अपने बालों में मिले। आप देख सकते हैं कि मैंने इस शैम्पू को यूज़ किया तो गाइस मैंने इसके ऊपर कोई भी कंडीशनर या कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रखा तो मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। तो आई लव दिस शैम्पू और इसलिए मैंने इसको अपने फेवरेट्स की कैटेगरी में रखा। तो गाइस कोई भी ऐसी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी जो मैंने यूज़ की है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई है क्योंकि ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरे बेस्ट है तो मैंने बेस्ट ही आपके साथ शेयर किए हैं। तो गाइस अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये इसका प्राइस है 499 रुपीज़ और इसकी क्वांटिटी है 300 ml। काफ़ी क्वांटिटी मिल जाती है। आई थिंक ये शैम्पू मुझे यूज़ करते 2 महीने हो चुके हैं और अभी भी मेरी बॉटल इतना शैम्पू अभी भी मेरी बॉटल में है। काफ़ी शैम्पू है काफ़ी और इस तरह के ये पंप में आता है। सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो गाइस ये बहुत नेचुरल है और अनब्लॉग एंड सल्फेस और पैराबिन फ्री शैम्पू है तो इसके लिए आपकी स्किन को या आपके ये बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मेरी ओर से ये हाईली रिकमेंडेड है। जिनके पास थोड़े से ड्राई टोन में है या थोड़े से सिल्की टोन में आप इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपके बालों को देखने को मिलेगा। तो गाइस अब कैसे लगे आपको मेरे रिव्यूज़, और ये है मेरे वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स और अगर इनके रिव्यूज़ आपके लिए थोड़े से हेल्पफुल रहे या मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ गाइस उसको लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बहुत आराम से पहुँच सके। तो बाय गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चीज़ के रिव्यू के साथ। टेक केयर।